On his right is the legend and someone who has conquered the world with her soulful singing, Abda Parveen ji. Assalamu alaikum and a very warm welcome. We also have the face of PSL. He has sung some outstanding anthems for us, and this time it's going to be all about Dil Se Jaan Laga De, Ali Zafar. And a very warm welcome also to another outstanding performer who would have his entire ensemble, the founding member of the Sachal Jazz Ensemble, Mr. Izzat Majid. Thank you very much. Another star performer who has been synonymous with the HBL PSL, Shahzad Roy. And this year we have two youngsters, two emerging superstars of Pakistan showbiz industry, and they will be the MCs for the ceremony tomorrow, Harim Farooq and Bilal Ashraf. So we are ready to start then. First of all, I request the chairman, Pakistan Cricket Board, Mr. Najim Sethi, to welcome all the performers as well as the media in his opening statement. Over to you, Mr. Sethi. Assalamu alaikum. A very warm welcome to everyone here, especially this star-studded array of artists, not just from Pakistan, but from outside Pakistan. Main kahan se shuru karun? Hamari jo opening ceremony hai, जब हमने पहले साल जब हमारी ओपनिंग सेरेमनी हुई तो लोगों को गश पड़ गया कि ये कैसे इन्होंने इतनी गजब की और ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी की है. और फिर जो हमारे स्टार्स थे जब उन्होंने परफॉर्म किया, इट बिकेम अ यूनिक इवेंट. यहाँ तक कि मुझे याद है कि जिन लोगों ने हमारे लिए ये सारा ऑर्गेनाइज किया और हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेड बाय नायला भट्टी, इन्होंने कोऑर्डिनेट किया और सारे आइडियाज़ इकट्ठे करके किए. हमने हमें ये सुनने में आया कि अक्रॉस द बॉर्डर एक बहुत बड़ी लीग होती है, वो भी अब सोच रहे हैं कि इन्हीं लोगों को हायर किया जाए टू फॉर देयर ओपनिंग सेरेमनीज. सो इससे बड़ी मैटर ऑफ प्राइड नहीं हो सकता कि द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड वाज थिंकिंग ऑफ एम्यूलेटिंग अस. बट देन द सेकेंड ईयर ऑल्सो वी हैड अ ग्रेट ओपनिंग सेरेमनी, एंड दिस ईयर आई कैन टेल यू इट्स गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर एंड मोर ग्लिटरिंग एंड मोर स्टार स्टडेड. मैं चाहूँगा कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, मगर कोई हमारे जो आर्टिस्ट हैं यहाँ, ऑल ऑफ देम आर सुपरस्टार्स, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. मेरे राइट हैंड साइड पे, अब मैं क्या तारफ कैसे कराऊं, तारफ तो तारफ की ज़रूरत ही नहीं है, कोई मोहताज नहीं है तारफ की. आबदा जी जो हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग इस वक्त आर्टिस्ट हैं, और इनकी इज्जत और इनसे प्यार सारा पाकिस्तान क्या सारी दुनिया करती है. ये जहाँ भी जाती हैं इनकी इनको लोग प्यार करते हैं और इनसे गश सारा वक्त. इनकी जो आवाज़ है वो ऐसे गूंजती है कि रुकती नहीं. और क्या मैं आपको बताऊँ, जब सुनते हैं तो बस ऐसे लगता है कि हिप्नोटाइज हो गए हैं आप. देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और दिल करता है कि ये गाती जाएँ, गाती जाएँ, गाती जाएँ और हमें खुश करती जाएँ. अल्लाह ताला ने इनको ये कुदरत की तरफ से ये नेमत है, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने आज हमारी दावत कबूल की और आज यहाँ हमारे साथ बैठी हैं. मेरा एक और भी हल्का सा एक तल्लुक आबदा जी से है कि मेरा बेटा अली सेठी, आबदा जी ने उनको बहुत बड़ा फेवर किया. ये आज तक किसी ने उनको ऐसा फेवर नहीं किया कि आबदा जी ने कहा ठीक है बच्चे तुम आ जाओ मेरे साथ बैठ के गा लो. ये उसके लिए इतना बड़ा ऑनर था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. और वो इनके पांव चूमता है, इतनी इज्जत करता है इनकी. और इनका बड़ा दिल था और इनकी बड़ापन था कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं आ जाओ बैठ जाओ मेरे साथ. तो मैं बड़ा मशहूर हूँ जी, आपने हमारी इज्जत बड़ी मेहरबानी. और सो वी आर एब्सोल्युटली डिलाइटेड ऑनर्ड टू हैव हर हियर विद अस. And doubtless, she will perform to your heart's liking and enrich the occasion with her magical voice. मेरे साथ इधर मेरे एक पुराने दोस्त हैं, इज्जत मजीद साहब.
बचपन से ही इन्हें म्यूजिक का बहुत शौक है और मुझे सारा वक्त हिदायत करते रहते थे कि ओए तेनू म्यूजिक का शौक नहीं तो सुनते सही। अभी भी मुझे घसीट के ले जाते हैं सुनाने के लिए। अच्छा, मुझे कुछ थोड़ी सी मुश्किल होती है कुछ चीज़ें समझने में, ये पूरी कोशिश करते हैं मुझे समझाने की। Somebody who understands music, who reads it, who writes it, who composes it, incredible person. इन्होंने his pursuit of business, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाए, छोड़ छोड़ के सारा कुछ आ गए, कहने लगे बस मैंने अब मौसीकी करनी है और मैंने सब्सिडाइज करना है सारा कुछ, और काश के ऐसे और भी हमें लोग मिल जाएं पाकिस्तान में। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, इन्होंने एक सचल के नाम पे एक ऑर्केस्ट्रा तैयार किया है जो कि अब दुनिया में मशहूर हो चुका है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, बर्लिन में, और हम बड़े मशहूर हैं कि इन्होंने कहा कि बस तुमने कहा तो हम आ जाते हैं। यकीन करें, दे आर नॉट चार्जिंग अस एनीथिंग। दिस इज इट्स इज मेजर ऑफ हिज जेनरोसिटी एंड हिज कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ क्रिकेट, टू द कॉज ऑफ PSL एंड टू द कॉज ऑफ म्यूजिक। ये पूरा घंटा वहाँ आपके लिए, लोग तो दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट करके ख़त्म हो जाते हैं, ये पूरा घंटा आपके लिए इनका ऑर्केस्ट्रा जो है वो आपको खुश करेगा। एंड थैंक यू इज़्ज़त फॉर कमिंग। दो यंग आर्टिस्ट्स हैं पाकिस्तानी शोबिज सीन पे, एंड आई अकॉर्ड देम अ बिग वेलकम टू हरीम फारूक एंड बिलाल अशरफ। आप देखिएगा, दे विल एंटरटेन यू लाइक दे हैव नेवर एंटरटेन्ड एनीवन बिफोर। और ये भी एक किस्म का इनका इंटरनेशनल डेब्यू होगा। दे डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शंस, दे विल डू अ वंडरफुल जॉब एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर ऑफ इट। अली जफर साहब, अब अगेन मैं क्या आपको बताऊं, अली जफर साहब को भी कोई तारफ नहीं है, किसी किस्म के तारफ की जरूरत नहीं है। अली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉप सिंगर्स एंड यंग आर्टिस्ट्स दैट वी हैव इन द कंट्री। क्या चीज़ है इन्होंने जो नहीं गाई, ही इज़ अ परफॉर्मर। मैं देख रहा था इनको, इनकी रिहर्सल एक हो रही थी और जिस तरीके से ये आप, अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताना चाह रहा आपको, जब आप सेरेमनी होगी तो आप देखेंगे, ही इज़ फ्लाइंग इन द एयर, ही इज़ फ्लाइंग इन द एयर, एंड अली विल फ्लाई इन द एयर एंड हिज म्यूजिक विल फ्लाई इन द स्टेडियम एंड अक्रॉस द ब्रॉडकास्ट चैनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू पाकिस्तानीज एंड नॉन पाकिस्तानीज वेरेवर दे आर। Thank you, Ali, once again, wow, for being a part of our Shahzad Roy Saab again needs no introduction. Badi aapko ek dilchasp baat batau aaj. Mera favorite gana hai, City Bajegi. Achha, bas main thoda sa khasya gaya hoon ya sathya gaya hoon, aap samjhe. Ki wo itni ye tension hai aur mehnat ho rahi hai yahan choti choti cheezon ke upar. तो मैंने शहजाद को अभी कहा, मैंने कहा कि आई जस्ट लव योर सिटी बजेगी, तो इंस्टेड, तो ही वाज वेरी काइंड टू मी, इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी यार तू सठिया गया है, ही सेड कि नहीं नहीं बिल्कुल मैं फिर गाऊंगा। तो अली आल्सो इन हिज ऑल मॉडेस्टी साथ बैठा हुआ था चुप करके, तो किसी ने कहा सिटी साहब, वो अली ने गाया। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा अली को भी कि वो एक दफ़ा अगर मौका मिला तो वो गा दे, मगर शहजाद रॉय साहब इज एन एंटरटेनर पार एक्सलेंस, हमारे साथ शुरू से रहे हैं एंड ही इज सो पॉपुलर अमंगस्ट यंग पीपल, एंड ऑनेस्टली माय लव एंड फेथ इन यंग पीपल नोज नो बाउंड्रीज बिकॉज आई नो द फ्यूचर बिलोंग्स टू द यंग, एंड सो दिस इज अ स्पोक्समैन ऑफ द यंग एंड व्हाट ही सिंग्स इन हिज मेलोडियस वॉइस इज वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। So I'm sure Shahzad will entertain you all. We have Jason Derulo. Now, Jason is not here today, I think. He's arriving either today, late today or tomorrow. Now again, I'm not sure whether he needs an introduction or not. But certainly for some oldie goldies, he may need an introduction. He's an internationally acclaimed American pop star. He's had a number of smash hits, absolutely top hits. Aap sochiye how difficult it must have been to bring him here to perform at this place. So once again, if he's not here, but when I meet him, I will certainly shake his hand warmly and embrace him and say thank you.
from all of Pakistan. Have I left out anyone? Have we covered everyone? Brilliantly done. Huh? Thank you. Almost there. Okay. So, ladies and gentlemen, I welcome you all on behalf of the Pakistan Cricket Board and the PSL management and the franchises who are working tirelessly, day and night, selflessly, to give you the third PSL in a row as a prelude. You might say almost like a climax before we pack our bags and start heading back home next year. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sethi. And just to add on Jason Derulo, we'll have him tomorrow perform here. And this is keeping up with the traditions of the HBL PSL. We had Sean Paul in the first season. Last year, Shaggy performed, and another internationally acclaimed artist would be singing at the opening ceremony tomorrow. Next up, may request Karunga, the legend who has conquered the world with his soulful singing, Abda Parveen Ji. बड़े कर्म की बात है कि जिस शहर से इस टीम का जो निस्बत बनी है वो मुल्तान शहर है मुल्तान शरीफ हम कहते हैं और वो वलियों की सिटी है वलियों का शहर है और इतनी बाबरकत यानी तसव्वुफ का एक रंग है कि उसी में ही हम उसी निस्बत से यहां पे हम इकट्ठे हुए हैं और ये जो क्रिकेट का सारा सिलसिला है वो मैं समझती हूं कि नजम सेठी साहब ने जो मेहनत की है और बार-बार मेहनत करते हैं बार-बार मेहनत करते हैं और उसकी जो एक ताकत है वो अभी नजर आ रही है जो मोहब्बत है जो जो लोगों में एक असल में स्पिरिचुअलिज्म भी यही है कि आप लोगों को खुशियां फराहम करें और अगर इस काम से इस क्रिकेट क्योंकि वो तो एक लोगों का इश्क है क्रिकेट से तो अगर इस तरीकाकार से लोगों की खुशियां उनको लौटाई जाएं और दी जाएं मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा स्पिरिचुअलिज्म नहीं है कि इंसानों के रूह खुश हो जाएं बस मैं और उन वलियों की मेहरबानियां हैं मेरे पीरो मुर्शिद साईं की मेहरबानी है जिन्होंने हमें ये जो टीम भेजी है अपने वतन से अपने शहर से मुल्तान शरीफ से मैं बहुत इज्जत करती हूं उस टीम की और उसी की वजह से हम यहां पे सारे इकट्ठा हुए हैं शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपदा परवीन जी और अगर आप एक कुछ गुनगुनाना गुनगुनाएंगी हमारे लिए प्लीज इज दैट पॉसिबल बहुत शुक्रिया जी क्या फरमाए जो आपका दिल चाहे थोड़ी सी एक जैसे कहते हैं गाइडलाइन जरूर अब इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं अली सफर साहब शहजाद राय साहब और सबसे बड़े जो आप यहां पे तशरीफ फरमाए इनके काम का एक अनोखा ही ढंग है जो अभी पाकिस्तान में कम लोगों ने सोचा होगा मगर इन्होंने करके दिखाया है तो और बिलाल साहब तो हमारे बिल्कुल बच्चे हैं और ये तो हमारी हीरोइन और डायरेक्टर हैं तो बस मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंप दें क्या लागे है मेरा बस थोड़े से दो बोल यार को हमने जा बजा देखा यार को हमने जा बजा देखा क
कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। यहाँ होना न होना है, यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दर जाना न हो जाए, यार को हमने जा बजा देखा। The legend herself, Abda Parveen, and a round of applause. जिस तरीके से आज महफिल गर्म की है, कल आप देख सकते हैं कि परफॉर्म जब करेंगी ओपनिंग सेरेमनी में तो क्या मजा आएगा। बहुत शुक्रिया आपका Abda Parveen जी। नेक्स्ट अप, आई वुड इनवाइट, एज आई सेड, समवन जिन्होंने सबसे पहले खेल जमाया, फिर उसके बाद क्या किया, सीटी बजाई, और अब एंड में दिल से जान लगाएंगे। अली जफर, आपने सीटी बजा दी मेरे से पहले। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन फॉर बीइंग हियर, Seti Saab, you and everybody on the table, all the esteemed guests and stars and superstars, and Abda ji, aapke bare mein main kuch kehna chahunga, lekin usse pehle jitne bhi log hain, all the audiences, people all over the world, the way that you guys have accepted, appreciated, embraced this league and this effort from this entire team, who, as Seti Saab says, has put in days and nights of work and hardship to bring this all together. Let me remind you, we keep saying this, that to achieve anything in Pakistan, and I'll say this very honestly and frankly and bluntly, is sort of going against the tide. Every single department, every single day is almost like an effort that you have to put in. So a war, actually, as he's saying. So you have to cross all those barriers and get through it. And people who do that, I think, wohi log kar sakte hain जिन पे खुदा को, जैसे आपदा जी ने बात की, हम लोग उस जमीन से, उस मिट्टी से आए हैं जहाँ पे बड़े बड़े सूफिया कराम और औलिया कराम ने कदम रखा, जन्म लिया, और वो मिट्टी जरखेज है उनके विजडम से। दुनिया में हर तरह के आर्टिस्ट होते हैं, हर कौम की एक डिफरेंट अप्रोच है। हमारी यूनिकनेस, मुझे ये लगता है, ये है, वो हमारे इसी सूफीज्म के अंदर है, जिसकी एक थॉट जो बेसिक, वो ये कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं कड़ी की तरह। हम लोग एज आर्टिस्ट, आपदा जी जैसे आर्टिस्ट, बड़े लोग, उसी कलाम को पढ़ के, गा के, यही मैसेज इतने सैकड़ों साल से, हजारों साल से, वो मैसेज एक ही है कि इंसानों को ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब मुख्तलिफ एंटिटीज नहीं हैं, वी आर ऑल वन, और उसकी ज़ात जो एक है, वही ज़ात हमारे अंदर है। और अगर हम इस फिलॉसफी को लेके चलें, तो हम अगर ये सोचें कि जो फलाना है, अगर हम उसको हर्ट करेंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, तो हम अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो हम उस मिट्टी से हैं। तो आप सबके लिए हमारा ये मैसेज है, ये पैगाम है। इस दफ़ा जो PSL में ये सूफी मैसेज को भी, ये थीम को जो लेके आया गया है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप तो जी, आपके बारे में कहना चाहूँगा कि जो मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन जब होते हैं या थे, तो मैं इनकी रक्षे बिस्मिल लगा लेता हूँ हेडफोन्स पे, और मेरा एकदम से एक रिश्ता जुड़ जाता है इनके थ्रू ज़ात के साथ, और मेरा दिन, और मैं इनको फ़ोन पर भी बता रहा था, बड़ा अच्छा गुजरता है। एंड इज्जत मजीद साहब जो है, ये जैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मौसीकी के रस्या और उसको अप्रीशिएट करने वाले और दुनिया तक लेके जाने वाले जो लोग हैं, कम हैं, लेकिन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और बड़ी अच्छी तरह से, जिस तरह इनका जो ऑर्केस्ट्रा है, आप लोग कल देखेंगे। हरीम जो है ना, वुमेन इन आर कंट्री आर टेकिंग देयर ओन रोल नाउ, यू हैव टू अंडरस्टैंड।
this image of Pakistan that we're an aggressive country where women are hair, but on the other hand, we have a certain enlightenment that we see is coming from this new generation where women are taking their own role. She's produced her first film herself, she's an actor, she acts, she dances. And so through your support and everybody who's watching, there's a new Pakistan that's coming in a way which we believe and hope our generation that will be more enlightened, more liberal, more progressive. And we hope that we leave the next generation in a much better place. Bilal is a very dear friend. He's also... When Bilal is in the room, I'm nervous ho jata because all the girls are going that way. And uske, he has brownie points because he's not married. And my two children have come with me on a trip. This time it's yours. And Shahzad Roy, jo hai, you know, एक होता है आर्टिस्ट, एक होता है सोशली अवेयर एंड सोशली रिस्पांसिबल आर्टिस्ट। He took me to a school जो इन्होंने बनाया कराची में सेंटर many years ago और वहाँ पे इन्होंने अपनी किताब दिखाई कि हम हमारी किताब में और सिलेबस में क्या फर्क है। फर्क ये था कि उसमें सवाल करने पे इंकरेज किया जाता था कि सवाल करो। Unfortunately हमारा जो education system है different चीजें उसमें कई चीजें ऐसी कि बस यही है आपने सोचना नहीं है लेकिन his अब करिकुलम में भी कराची में भी इन्होंने सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो काम करें a lot of things that he's doing ये लगे रहते हैं जैसे इनका गाना कहता है कि लगा रहे so he's also one person that I'm very very fond of and I'm a big fan of जाने साइन आउट करने से पहले the team जो पीछे है सुहेब है नायला जी हैं ये सब लोग जो हैं ये boys खड़े आपको नजर आ रहे हैं boys and girls इनके बगैर I don't think this was possible. Yes, I'm going to be flying tomorrow. It's a stunt that I've never performed before. When I was told that will I be able to do this, fly about 50 feet high in the sky and do all those things, I said yeah, easy. मैं 30 meters. 30 meters? ये नहीं मुझे बताया था. But yes, but वही बात है कि खुदा के करम से होता है जो होता है. और कल हम आपके सामने उसका कर्म लेके हाजिर होंगे आप लोग अपनी दुआएं कीजिए और हमारा साथ दीजिए एक दफा फिर we'll make this the biggest event ever so, thank you Ali thank you so much but क्योंकि सैदी साहब ने शुरू में ही आपसे एक रिक्वेस्ट की थी and I'm sure हम सबकी भी रिक्वेस्ट है सबसे पहले अब खेल जमेगा अगर इसकी आप थोड़ा सा रिकॉल करा दें हमें the magic that you created in the second season आपदा जी के सामने मैं नहीं गा सकता यार और वो भी सीटी बजेगी मुझे भूल गया पुराना वाला ये फैन होते हैं असल फैन आपदा जी इजाजत है बजेगी स्टेज सजेगा ताली बजेगी अब खेल चलेगा फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी अब खेल चलेगा अली अब दिल से भी जान लगानी है आपने प्लीज जस्ट अ कपल ऑफ लाइंस ये क्या था इसका क्या था मैं अपनी लिखी हुई चीजें भूल जाता हूँ इतने गाने लिखने पड़ते हैं लोग फिर आ गए दुनिया को हेलो फिर आ गए जल रहा है ओके सॉरी यार लोग फिर आ गए जल रहा दिखाने फिर मिले चलो हम इस बहाने ये स्टेज फिर से सजेगा फिर दिल से सीटी बजेगी और जा से नारा लगेगा हो 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 हो
जो कि जरूरी है, दिल से बड़ी लिखी हुई है। सोचो तो इस खेल खेल में हम सारों के मेल मेल में यादें कई रह जाएंगी, कुछ हारेंगे कुछ जीत जाएंगे फिर घर सारे चले जाएंगे, खुशियां कई मिल जाएंगी। एक दिन तू ना मिलेगा तेरा नाम तो भी रहेगा, खुद को खुद ही में मिला दे फिर दिल से जा लगा दे। Thank you so much, Ali Zafar, and all the very best in your flight tomorrow. We are all hopeful that you will reach a new destination. Main soch raha hu usi tarah hoga Pakistan ka sir. Might be a good idea. Chali ji. Thank you so much, Ali Zafar. Next up, a very warm welcome, performing for the first time at the HBL PSL opening ceremony. We have the jazz ensemble, Satchal Orchestra, and the founder of the orchestra, Izzat Majid Saab. And a very warm welcome to you. Aur kindly aap thode aapke थॉट्स शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा इस आलोक जी, खासकर आपके लिए ये जो सचल स्टूडियोज हैं, ये एक उस लेवल पे नहीं चले थे जबकि सारी दुनिया में जाना था, और वो वक्त जो है वो अब काफी देर से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है इस वक्त जो हमारे पास है वो है कि विलेजेस में जाके, हर जगह जाके उनसे लेके देखें कि उनके पास क्या है, और कई दफ़ा कई जगह हमसे बहुत आगे हैं, सिवाय इसके कि उनके पास ना कोई पैसा होता है ना कोई ज़िंदगी के बारे को। उनकी मौसीकी जो है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ज़्यादा होती है। उनके साथ हम बैठते हैं, अब वो हमारे पास भी आते हैं। उससे बाद दूसरी बात जो लोग कहते हैं कि अच्छा ये जायज कैसे कर लिया, जायज वगैरह कर लिया, जायज नथिंग। जो हमारी अपने जो हमारा जो सारा कुछ है बंद हो रहे, सो वो जो जायज है वो है जो हमारे रंग है, वो रंग जो है वो जायज के साथ बिल्कुल मिलते हैं, और उस नज़र से हमको कोई तकलीफ नहीं होती। आज शाम को आप इंशाल्लाह देखेंगे कि वो क्या बनते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच इज़्ज़त मजीद साहब, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ डार्जिलिंग परफॉर्मेंस टुमारो। एंड नेक्स्ट अप वी हैव समवन हु आल्सो हैज अ वेरी ओल्ड एसोसिएशन विद द एचबीएल पीएसएल, पहले सीजन से ये हमारे साथ हैं और फ्रेंचाइजेस के साथ भी ये परफॉर्म करते हैं, उनके गाने भी बनाते हैं, शहजाद रॉय। थैंक यू सो मच। आई थिंक इतनी बातचीत हो चुकी है, मुझे सब ये लगता है कि हर दफा हम सोचते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग होगा और क्या ये पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा, तो ये एक बहुत जबरदस्त न्यूज है इस दफा कि कराची में इसका फाइनल हो रहा है, और ये आई थिंक पैराडाइम शिफ्ट मैं समझता हूँ। बाकी ऑब्वियसली ये बहुत ही ऑनर और मजेदार बात है क्योंकि मैं एचबीएल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एचबीएल पीएसएल है तो आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जैसे कि अली यहाँ पर कह रहे थे कि किसी भी लिबरल प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें एक सोल हो, स्पिरिचुअलिज्म हो, और मुझे लगता है क्रिकेट जो है वो सोसाइटी की सोशल री इंजीनियरिंग के अंदर बड़ा इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है, किसी भी इंटरटेनमेंट को आप देख लें। और मैं सीरियसली समझता हूँ कि पाकिस्तान चेंज हो रहा है, और उसकी एग्जांपल किसी और बात से नहीं बल्कि मैं अपनी एग्जांपल से आपको दूंगा। जब मैं 1999 में मेरा एक कॉन्सर्ट हो रहा था, ये पुराना वाक्य है, और उस कॉन्सर्ट के अंदर इस्लामाबाद में था, इट वाज फ्राइडे आफ्टरनून, तो हम बाहर कॉन्सर्ट कर रहे थे, सब डांस कर रहे थे, कॉलेज के अंदर था ये, और ऑल ऑफ अ सडन मुझे अजान की आवाज़ आई, तो मैंने कॉन्सर्ट थोड़ी देर के लिए रोक दिया, ऑब्वियसली जुम्मे की नमाज हो रही थी, तो एक बच्ची छोटी सी आगे मेरे पास आई, मेरा माइक खुला हुआ था उस वक्त, तो उससे मुझे कहा कि शहजाद भाई आपने कॉन्सर्ट क्यों रोक दिया, आप गाए ना प्लीज, आप गा क्यों नहीं रहे। तो मैंने कहा देखो अभी मैं गाऊंगा तो अल्लाह ने मुझे दोजख में डाल देंगे, तो कहती आप गाए ना, आपने वैसे कौन सा जन्नत में जाना है। तो वहां पर भी सब हंसे, बट मैंने रियलाइज किया कि कहीं सोसाइटी में ये होता है कि इस म्यूजिक पर एंजॉय करना अच्छा है, डांस करना ठीक है, बट इसको एज प्रोफेशन करना बुरी बात है।
बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल, खासतौर पर अगर आपकी बेटी है तो उसको तो आप कभी भी नहीं जाने देंगे, बट आप इसकी प्रोग्रेशन देखें सोसाइटी की, एवोल्यूशन का प्रोसेस देखें कि आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है, वो म्यूजिक के बगैर मुकम्मल नहीं है। और खासतौर पर आप तो आपको जब यहाँ पर देखेंगे तो अब ये स्पिरिचुअल एज भी PSL में समझता हूँ हो गया, और खासतौर पर इज़्ज़त मजीद साहब जो सचिव ऑर्केस्ट्रा को लेकर आए, आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा तमाम पाकिस्तानियों के लिए और जो जो टीवी पर इसको देख रहे होंगे। अली ने इतना कहा, थैंक यू सो मच हरीम, बिलाल इज अ वेरी योर फ्रेंड, आपदा से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने मिलकर साथ गाना किया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी एक इज्जत की बात थी कि उन्होंने मेरे साथ किया, मेरा बहुत प्यार और करीबी ताल्लुक है इनसे, थैंक यू आपदा आप यहाँ पर आई हैं और चार चांद अब कल लगने वाले हैं सारी चीज़ों को। सेठी साहब थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, सेठी साहब थैंक यू। And Shahzad, keeping up with the traditions, a few lines of what you're going to perform tomorrow, because as I said, you also have a long association. So Shahzad Roy, and let's hear it from him. CT Bajegi, sorry, that's a galti hogi, sir. Sorry, main to bhi sathe aaya sahi gana ka. Dil mein josh liye, haan josh liye, lo phir se mile. वही उमंग लिए वो आस लिए लो फिर से मिले, ये सितारे जराए तेरे लिए है तुम्हारे, ये वो गले सारे है ये दीवारे सारे तेरे लिए तेरे लिए है। ला 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 Thank you so much Shahzad and all the very best, we look forward to your performance tomorrow and jaise ki humne aapko shuru mein bataya is saal we have got two superstar MCs who are going to MC the opening ceremony tomorrow aur inme sabse pehle main introduce karaunga, she is already a star and a superstar in the making, Hareem Farooq. Thank you. Already बहुत कुछ बहुत बातें हो चुकी है, आई एम सॉरी, मैं आई एम एक्चुअली हैविंग अ फैन मोमेंट। आपदा जी यहाँ पर बहुत सारे कैमरे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं वो चीखे नहीं मार सकती, लेकिन मैं इस वक्त आपके साथ जो बैठी नहीं हुई यहाँ पे, तो बोलने में यूजली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन से, मतलब आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ, अभी थोड़ी ये हो रही है। तो थैंक यू सो मच, आप इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू एंड इट विल बी वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स। Thank you. Now coming back to PSL, this was when I was approached for this. This was something that, as the first thing that came to my mind was, oh my God, really me? Oh, okay. I mean, because itna bada platform, jo Pakistan ko ek alag level pe leke ja raha hai, ek dunya mein uska. Cricket is something which brings not just the nation together, it brings the world together. And I think ke, HPL PSL is an initiative which has taken Pakistan on an international level, and this is what we need right now, and this is what I aim to work for. Main apna kaam karti hoon, jo bhi karti hoon, Pakistan, dil se pakki Pakistani hoon, to yehi hota hai ke jab bhi bahar jaye, yaad rakhe hum Pakistan ko represent kar rahe hain. HPL PSL is something जो दुनिया में बता रहा है कि this is Pakistan. It's not what the media portrays out there. It's not जो दुनिया में दिखाया जाता है या जो लोग समझते हैं. हम खेलते हैं, हम शौकीन लोग हैं. हम we are not terrorists. We are peace loving people. And I think this is the best message. And Sir Najam Sethi, I think you've taken a great initiative. And I think the credit goes to him. For being able to do that, for being able to pull this off, and the next big thing that is going to happen, and I'm hopeful, and I know this will happen. I have complete faith in this. We international cricket will come to Pakistan very soon. We've seen the glory, and we are waiting for it. The whole nation is waiting for it, and this will happen. And lastly. It's an honor for me to be sitting here with all of you, Shahzad, Ali, Najam Sethi ji. I'm sorry, Ali, bahut sad moment hai, main bata nahi sakti.
आज मैं अपने होटल से निकल कर आपदा जी आ रही हूँ तो मैं बड़ी अपनी शेड्स पहन के बैठी हुई थी यार वेरिंग आई विल सिट इन देयर एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपदा जी कम्स एंड लाइक तो मैं तो अभी तक वो ही चल रहा है मेरा बट इट्स एन ऑनर टू बी इवन कंसिडर्ड फॉर नहीं नहीं लेकिन इट्सेल्फ इट्स एन ऑनर कि हमें कंसिडर करना हमें इतना बड़ा टास्क इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना टू बी तुम्हें लाइन याद की इट्स एक्चुअली दिस कल की आधी लाइनें स्क्रिप्ट की अभी बोल चुकी है थैंक यू it's a responsibility it's huge for me and I hope that we'll be able to pull this off because right next to these legendary people with us I think it's an honor for us and I hope with their support and love and your support and love it'll be amazing and better than what it was for the last 2 years and we'll take it another level inshallah thank you so much Hareem and do we have a request for her also क्या चलो थैंक यू वेरी मच हरीम फारूक एंड वी विश यू वेरी बेस्ट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी टुमारो एंड हर को होस्ट टुमारो फॉर द ओपनिंग सेरेमनी अनदर आउटस्टैंडिंग स्टार फ्रॉम पाकिस्तान बिलाल अशरफ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन इट्स एक्चुअली अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर टू बी सिटिंग हियर अमंग सच लेजेंड्स आब्दा जी I think I don't have enough words to describe how I feel. Lekin main ye zarur batana chahunga ki Abda ji has been a very old family friend of ours, my family. And mere liye bahut honor ki baat thi ki bahut saalon baad because we lost touch. And maine ek film jo bhi meri last film nikli uska jo sabse popular gana tha Phool Khil Jayenge wo Abda ji ne gaya tha to वो एक अजीब सा कनेक्शन वापस बने और इस वक्त जब मैं यहाँ पे आ रहा था लिफ्ट लिटरली खुली एंड आब्दा जी स्टेप्ड इन एंड आई जस्ट काइंड ऑफ यू नो रिमाइंडेड हु आई वाज एंड इट वाज फिनोमिनल सो आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड के आई शी सैंग एंड लेंट हर वॉइस टू माय फिल्म एंड इट इज टू दिस डे वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स आब्दा जी थैंक यू सो मच मूविंग ऑन सेठी साहब आई थिंक what you've done for Pakistan cricket is unbelievable, unforgettable. You've kind of rewritten history you've done the impossible. And you keep on doing the impossible and proving everyone wrong who pretty much didn't believe in Pakistan cricket or don't believe in Pakistan cricket. And it keeps on getting bigger and better. And HBL PSL is a true representation of what your vision is and what you've done. Izzat Majeed Saab, I really am looking forward to hearing what you have to offer musically to all of us. And I think I'll be lucky to probably hear it in the rehearsals before everyone else. So I can't wait for that. Ali ke baare mein kehna chahunga ke I think Ali has done a lot of work for Pakistan. As a musician, he's worked across the border, and I'm very, very happy. I think I 6-7 saal pehle jab Ali se mila tha, to tab se main wait kar raha tha ki Ali film kab banayega. Now I just want to wish you the best of luck, Ali. I can't wait. It looks fantastic. Aur Ali ko main ye bhi batana chah raha hu ki jab ye old aaya tha, to main jo iski jo team thi wahan khada raha tha. तो अगर आपको लग रहा है कि आप 30 मीटर्स पे थे तो आप 30 मीटर से काफ़ी ऊपर थे क्योंकि वो आप उस वक्त 57 मीटर्स तक पहुंच गए थे तो मैं आपको रियलिटी चेक देना चाह रहा हूँ शहजाद अगेन आई थिंक आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर वर्किंग ऑन समथिंग वेयर ही वाज डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर पाकिस्तान एज यूजुअल ही वाज वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्री and mera chota sa post production studio tha so I got the opportunity to work with Shahzad and I think his contribution to Pakistan is phenomenal it's countless what he's doing for people he's always backing everyone up and Shahzad lage raho ye keh sakta hu main uske alawa Hareem ki main jitni tareef karun kam hai Hareem
जी नेचुरली मैं बताना चलूं कि वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ माय फर्स्ट फिल्म जानान एंड काफी डांट पड़ी थी हरीम से मुझे उसमें अभी भी पड़ी है जब हम रिहर्सल कर रहे सो दैट हैजंट चेंज्ड बट शी इज डेफिनेटली डूइंग एक्सट्रीमली वेल एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर एंड आई डेफिनेटली विश यू द वेरी बेस्ट थैंक यू सुहेब एंड राव एंड द एंटायर टीम फॉर वोटिंग टू हैव मी हियर इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड I'm really looking forward to the event kicking off tomorrow. Thank you, everyone. God bless you. Thank you so much, Bilal Ashraf. And yes, we are looking forward to you hosting the event also. And this star-studded lineup is going to perform tomorrow. It's going to be a spectacle that you would never forget. So the opening ceremony, HBL PSL 2018, inshallah, iska a bahut hi shandar aghaz hoga aur aisa yaadgar aghaz isko aap zarur yaad rakhenge. We have given you a few hints and the rest of it, inshallah, you will see unfold right before your eyes tomorrow. Thank you very much to everyone. Thank you very much to the media. And a reminder that the ceremony starts at 7 p.m. UAE time. 7 baje is ceremony ka aghaz hoga. We'll also have the first match between Multan Sultans and Peshawar Zalmi that will follow and it will start at 9 p.m. See you all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.